अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आज हम लोग अपने केज की छत का काम स्टार्ट करने वाले हैं, अंडे की कैटलिंग करने वाले हैं कि अंडे में से बच्चा है भी या नहीं। तो जल्दी से दोस्तों हम ना पिजन्स के केज में से अंडे को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर हमने मुर्गी का अंडा रखा हुआ है जो कि इस वक्त बेबी पिजन के नीचे है। तो बेबी पिजन को दोस्तों हम उठाते हैं जल्दी से। ये देखें दोस्तों, ये अंडा पड़ा हुआ है और ये हमारा बेबी पिजन है दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है दोस्तों। दोस्तों डाइट मैन के लिए आया हूँ, जल्दी से ना इनको डाइट डाल देते हैं इधर और ये अच्छे से पेट भर कर खा लें और अपने बेबी को भी साथ में खिला दें दोस्तों। तो दोस्तों पानी मैंने इधर रख लिया है और चिली मिली को भी दोस्तों मैंने खोल दिया। अब बारी है इन सब को खोलने की, तो जल्दी से दोस्तों इन सब को भी हम लोग खोल लेते हैं। दोस्तों इन सब को मैंने खोल दिया है। ये देखिए, बस डायमंड को नहीं खोला क्योंकि डायमंड दोस्तों इसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है सुल्तान के साथ। तो दोस्तों अब मैं इनकी डाइट भी ले आता हूँ। तो दोस्तों मैं इनके लिए बाल्टी भर कर ये देखे मूली के छिलके ले आया हूँ। तो जल्दी से दोस्तों इनको मूली के पत्ते ना डाल देते हैं ताकि अपनी पेट पूजा कर सकें। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मैं ले आया हूँ। तो चलो भाई तुम लोग इधर खाते रहो। तो थोड़े से पत्ते दोस्तों अपने डायमंड को भी दे देते हैं ताकि ये भी खा ले। तो ये सब तो अपनी डाइट वगैरह खाते रहेंगे, तब तक हम अपने केज का काम भी स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज हमने हर हाल में अपने केज की छत दोस्तों डालनी है। मैं ऊपर जा रहा हूँ दोस्तों लकड़ियाँ लेने। लकड़ियाँ लेकर आते हैं, फिर इसको जो है वो पानी लगाते हैं और फिर जो है वो छत का काम स्टार्ट करेंगे। बाकी ये इधर एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा मिनी जू है और ऊपर दोस्तों मैं लकड़ियाँ वगैरह लेने आ चुका हूँ। ये देखे सारी लकड़ियाँ इधर हमने पड़ी हुई हैं और ये दोस्तों हमने नीचे आग लगानी है। काफ़ी दोस्तों ये भारी लकड़ियाँ हैं, इससे दोस्तों हम अपने केज की छत डालेंगे और छत जो है ना बहुत ही मजबूत बन जाएगी भाई। यार मैंने जल्दी से ना ये तीनों की तीनों लकड़ियाँ उठा ली हैं, अब जल्दी से इनको मिनी जू में लेके चलते हैं और अपनी छत का काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके सारे के सारे पैट्स हमारे खुले हुए हैं और ये देखे लकड़ियाँ काटने का काम इधर जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये देखे ऊपर हमने छत का काम भी स्टार्ट कर दिया हुआ है दोस्तों। ये हमने वैसे ही यहाँ टेस्ट करने के लिए रखा है। ये देखे ये एक लकड़ी भी हमने काट के लगा दिया और वो सामने भी लगा दिया। कल को जब हम इधर एक और केज बनाएंगे तो दोस्तों उसके लिए छत का इंतज़ाम भी हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो जल्दी से दोस्तों इसके भी दो टुकड़े करते हैं, इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं, फिर दोस्तों आपको दिखाएंगे कि छत की फाइनल लुक कैसी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे ना केज की छत भी डल चुकी है। हमने ना कुछ इस तरीके से दोस्तों छत इसकी डाली है और अब इसके ऊपर शोपर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर मिट्टी डालकर दोस्तों बजरी और सिरमट डाल देंगे। और अभी दोस्तों मैं ये कवर करने वाला हूँ और अंदर से भी दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी लुक के अंदर से ये कैसा लग रहा है। ये देखे दोस्तों अंदर से भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, एक नेचुरल तरीके से ना हमने इनका बना दिया है केज। और ये वाला केज भी बाहर को खुलेगा दोस्तों, जब ये इसके ऊपर शोपर आएगा ना और सब ऊपर से क्लियर होगा तब ये इसकी असल लुक पता चलेगी। और इसको भी हम अंदर से भी पेंट करेंगे और बाहर से भी दोस्तों पेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये दूर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये केज कैसा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने केज की छत ना हाफ तो डाल दिया दोस्तों। ये देखे पहले हमने शोपर डाला, फिर हमने रेत डालिया, फिर रेत के ऊपर फिर से शोपर डाला और फिर हम जो है ऊपर बजरी और सिरमट का साला डालेंगे तो बिल्कुल ये जो है ना पक्का हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों अब इसकी ना थोड़ी बहुत लुक निकल आई है और हमारी मुर्गियों की तो मौजियाँ हो गई हैं दोस्तों। हर साइड पे खिलाड़ा पड़ा हुआ है तो ये जो है वो आराम से अब खेल रही हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि हमारे केज की छत दोस्तों ये फाइनल हो चुकी है। अभी थोड़ा सा मसाला रहता है वो भी हम ऊपर डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमने ये सफाई करनी है साड़ी की साड़ी। ये देखे साड़ी की साड़ी जो छत है ना वो गंदी हुई पड़ी है। और ये देखे दोस्तों ये हमारे चूजे भी हर तरफ जो है ना खिलरे हुए हैं, कोई भी दोस्तों अपनी जगह पे नहीं है, सारे इधर उधर हुए पड़े हैं। और ये देखे दोस्तों ये हमारी स्त्री जो है ना लकड़ी ये भी बच गई है, इसको क्या हो रहा है? तुम तो सही तो है ना, सही तो ना, क्या हुआ तुम्हें? लगता है इसने ना दोस्तों कुछ उल्टा सीधा खा लिया है तो अब ये बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें भी मैं देखता हूँ जरा। कालू तुम तो सही हो? हाँ दोस्तों कालू बिल्कुल ठीक है। तो अभी दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे केज का काम दोस्तों फाइनल हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम जो है ना इसका दरवाज़ा भी लगा देंगे और अभी दोस्तों मैं इसकी छत का काम भी कर देता हूँ। दोस्तों हम रैबिट हाउस का भी कोशिश करेंगे, रैबिट हाउस का काम भी हम जो है ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमारा सब खत्म हो गया, इधर हमारे सारी ईंटें उधर पड़ी हुई हैं दोस्तों, इधर भी हम ईंटें लाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मट्टी लेने। सब पेट्स को दोस्तों मैंने डाइट वगैरह डाल दिया। तो बाकी दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल लीड बर्ड्स फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।